हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल लोड है। अभी जो प्रीवियस हमने पहले किया था, मल्टीपल लोड चल रहे हैं, ठीक है जी। मल्टीपल लोड है W1, W2, W3। ये लोड हमारे क्या है ये गर्डर पे है। ये एक हमारा कोई गर्डर ले लेती हूँ मैं। ये जैसे ये रोलिंग लोड किस पे चलते हैं? रोलिंग लोड चलते हैं जैसे ब्रिजेस वगैरह नहीं होते उन पे। इसका कोई स्पान ले लेती हूँ मैं एल मीटर का, ठीक है। इसके ऊपर कोई सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है। अभी कौन से लोड के ऊपर मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, वो भी पॉइंट डिसाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों के जैसे इसके बीच का डिस्टेंस ए ले लिया, इसके बीच का बी ले लिया, इसके बीच का सी ले लिया, इस तरह हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं सब। इसके ऊपर मैं W2 प्लेस कर देती हूँ, या आप W1 भी कर लेना एक बार, मैं W2 का, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे मैंने W1 रख लिया, यहाँ पे W3 रख लिया। ये मेरा कोई सी पॉइंट है, ए बी सी, सी सेक्शन सी है। हम लोग हर का ट्राई करेंगे, लेकिन एक बार एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने ऐसे ले लिया। इसका यदि मैं ILD ड्रॉ करूँ तो हमारा ILD कैसा बनेगा? इसका ये चीज़ बनेगी, ये तो क्या होता है RA के लिए, और ये किसके लिए जाता है? RB के लिए। आप इस सेक्शन को ले रहे हो, इस सेक्शन को ले रहे हो, तो यानी हमारा कैसा जाएगा ये वाला, ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। बोलो, मैंने उसमें भी म्यूलर प्रिंसिपल में भी बता रखा आपको, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्या कर लेंगे, प्रोजेक्शन को नीचे उतार लेंगे। जो ऑर्डिनेट होते हैं इनकी प्रोजेक्शन को हमने क्या किया, उतार लिया। इसका नाम दिया मैंने Y1, इसका नाम क्या दिया मैंने, Y1 दिया है। इस यहाँ से यहाँ तक के नाम दिया मैंने Y2, और ये जो नेगेटिव पोर्शन रहा है इसको मैंने नाम दे दिया M का। और हमें पता है Y2 प्लस M किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, यूनिट के इक्वल है। इसका नाम दे दिया मैंने Y3, और ये ऑर्डिनेट क्या हो गया, Y4 हो गया, क्योंकि इधर इधर वाला तो पॉजिटिव जाता ही है सभी का, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं हम लोग, यदि मैं सेक्शन देखूं, यदि मेरा W2 इस पे है, तो मेरा शियर फोर्स का सेक्शन क्या होगा? शियर फोर्स एट सेक्शन 1, पहले मैं एक लोड रख रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो आपका क्या होगा, क्या होता है आपका लोड इंटू इंटेंसिटी, लोड इंटू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लोड इंटू ऑर्डिनेट, इंटेंसिटी ऑफ लोड इंटू ऑर्डिनेट। तो यहाँ का तो ये तो नीचे का जाएगा, नेगेटिव जाएगा सेक्शन के लेफ्ट साइड का, तो ये तो जाएगा माइनस ऑफ W1 इंटू Y1, हम ये कर चुके हैं पहले, प्लस W2 जो सेक्शन के ऊपर होता है उसका तो पॉजिटिव जाता है, W2 इंटू Y2 प्लस W3 इंटू Y3 प्लस W4 इंटू Y4, ठीक है। और यदि W5 भी है यहाँ पे कोई, तो मैं W5 भी लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, W5 इंटू Y5, ठीक है, समझ आया। अब मैं ऐसा कहती हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना कितना बताया आपको, A B और C, ये सब कुछ लगा। पहला केस तो बना ये, सेकंड केस मैं क्या बनाती हूँ कि मैं इसको आगे मूव करवा देते हैं, यानी ये आगे चला जाएगा। अब क्या आ जाएगा, W2 इधर आ जाएगा। अब इस सेक्शन में कौन सा आ गया, पहले हमने W2 ट्राई किया, अब हम कौन सा सेक्शन, कौन सा लोड ट्राई कर रही हूँ मैं, सेकंड लोड। सेकंड लोड का मतलब W3 हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर ट्राई कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब आपका W3 इधर जाता है तो आप देखो कि Y2 तो बढ़ेगा, Y2 ऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है, और ये क्या है, ये आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी तो आगे किसके का, तो Y1 की वैल्यू क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले हम देखते हैं कितना खिसका रहा है, वही कितना खिसक रहा है, पहले DX थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, मान लेंगे DX की वैल्यू अपने की B के इक्वल होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। हमें पता है DY/DX किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। ये देखो, ये चीज़ है ना, ये 1 है, ये L है, ये क्या हो गया, DX हो गया। ये DY/DX किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। DY/DX किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल हो, तो DY हमें करना है,
टेन थीटा क्या होगा, वन बाय एल के इक्वल होगा। यहाँ से देखो, वन बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वन बाय एल के इक्वल। डी वाई बाय डी एक्स हमारा वन बाय एल है। आप कितना खिसक रहे हो, आप इस लोड को इसके ऊपर लेके आ रहे हो, यानी आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, बी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। तो यानी हमारा डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, अपनी बी के इक्वल आ जाती है। तो डी वाई बाय डी एक्स की जगह मैं बी पुट करूंगी वन बाय एल, यानी कि डी वाई आ गया मेरा बी बाय एल आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, समझ आया। अब हर हर एक जब आपका लोड मूव करता है तो ऑर्डिनेट, मैंने क्या कहा है, कुछ ऑर्डिनेट बढ़ेंगे, सारे ऑर्डिनेट बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, SC2 लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। SC2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, क्या होगा, W1 माइनस ऑफ W1 Y1। इसके अंदर क्या ऐड करेंगी मैं, ये इसको ऐसे लिखती हूँ, मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको, SC2 इज इक्वल टू W1। W1 क्या है आपका, लोड है, लोड इंटू ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है आपका, माइनस ऑफ Y1। इसके अंदर क्या ऐड करूंगी मैं, बी बाय एल ऐड करूंगी। बोलो, माइनस के अंदर क्या ऐड करूंगी मैं, बी बाय एल ऐड कर दूंगी। तो ये पोजीशन आ जाएगी इसकी, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, आपका W2 इधर आ गया, W2 जब इधर आ गया तो ये M1 था, M1 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, प्लस W2, M1 तो नेगेटिव है, प्लस बी बाय एल। बोलो भाई, प्लस बी बाय एल। अब आप देखो, अब आप ये कहोगे मैडम यहाँ तो ये वैल्यू कम हो रही है, आप इधर देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आपका ये चीज बना था ना, आपका ये Y1 है, ठीक है। यहाँ पे आओगे जब लोड आगे जाएगा तो ये चीज आएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, कम हो रही है। आपका माइनस Y2 था, उस Y2 के अंदर मैंने कोई चीज पॉजिटिव कर दी, कुछ थोड़ी सी चीज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मान लो ये -5 है और ये आ जाती है 0.5, यदि ये क्या हो जाएगी फिर 4.5 होगी माइनस की। और यदि मैं इसमें माइनस करती हूँ, आपको भी माइनस करो, माइनस करूँगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। तो ये बी बाय एल इसलिए प्लस किया है। अब मैंने इसके अंदर क्यों किया है, क्योंकि आपका जब W2 इधर आ जाएगा, यानी सेक्शन के लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो लेफ्ट में तो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेगेटिव ऑर्डिनेट क्या है इसका, माइनस ऑफ एम प्लस बी बाय एल। प्लस अब क्या आएगा, W3, ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या होगा ये Y3 प्लस बी बाय एल। इसी तरह आगे चलते जाएंगे हम लोग, W4 ये क्या आ जाएगा, Y4 प्लस बी बाय एल। बोलो भाई, समझ भी आ रहा होगा। प्लस W5 Y5 प्लस बी बाय एल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। आपको कहता है कंडीशन क्या रखनी है आपने, आपका मैक्सिमम कब होगा, यानी SC1 इज ग्रेटर देन SC2 कब होगा। इनको इक्वेट कर दो आप, इनको जब इक्वेट करोगे आप तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये किसके इक्वल था, ये जो लिखा हुआ हमने Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3 प्लस W4 Y4 प्लस W5 Y5, ठीक है जी, इज ग्रेटर देन, ठीक है, हमने यही कंडीशन निकाली, ग्रेटर देन क्या हो, ये सब कुछ हो। तो लिख लेते हैं आपा, माइनस ऑफ W1 Y1, ये देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस ऑफ W1 Y1 माइनस W2 M प्लस W3 Y3 प्लस W4 Y4 प्लस W5 Y5, ये तो ले लिया मैंने सारा। अब इनमें से क्या ले लूंगी मैं, बी बाय एल कॉमन ले लूंगी, डिवाइडेड बाय बी बाय एल। बी बाय एल करके जब किया मैंने तो अंदर क्या रह जाता है मेरा, W1, ये देखो बी बाय एल ले लिया तो यहाँ तो W1 रह जाएगा ना, W1
प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर प्लस डब्ल्यू फाइव। बोलो भाई, समझ आया? अब इसमें से जो कट हो रहे हैं वो काट दो आप। ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है और ये भी कट हो रहा है। तो कहने का मतलब इधर तो रह गया अपना डब्ल्यू टू वाई टू इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ डब्ल्यू टू एम प्लस बी बाय एल और डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर और डब्ल्यू फाइव, जो भी आपके रिमेनिंग फोर्स लोड हैं वो। ठीक है, मैं इसको इधर ले आती हूँ। डब्ल्यू टू वाई टू प्लस डब्ल्यू टू एम इज ग्रेटर देन बी बाय एल और सबमिशन ऑफ लोड लिख लेती हूँ। ठीक है, W2 कॉमन आ गया, Y2 प्लस M इज ग्रेटर देन B बाय L और सबमिशन ऑफ ऑल लोड्स। ठीक है, Y2 प्लस M किसके इक्वल है? Y2 प्लस M मैंने बताया था आपको किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह 1 लिखूंगी तो यहां तो Y W2 ही रह गया, इज ग्रेटर देन इनटू 1 भी कर देती हूँ। लो यहाँ पे B by L और ये क्या W1 plus W2, इस तरह सारे हमारे लोड आ जाएंगे। ठीक है, तो W2 divided by B यदि greater है W1 plus W2 plus W3 plus W4 और जो भी आपके लोड है उसके इक्वल divided by L। यदि ये कंडीशन आती है तब आप ये सोचोगे भी जो लोड आपका उस सेक्शन पे रखा गया है वो मैक्सिमम आपको क्या देगा, शियर फोर्स देगा। ठीक है, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। क्या न्यूमेरिकल है आपका? ये आपके लोड है जी। कौन कौन से लोड है? काफी सारे लोड दे रखे हैं आपको। ठीक है, मैं नाम लिख लेती हूँ ये 80 किलो न्यूटन का। ठीक है, और ये लोड कितना है आपका? 220 किलो न्यूटन। ठीक है जी, ये कितना है आपका? 220 किलो न्यूटन। और ये कितना है आपका? 100 किलो न्यूटन। और ये कितना है? ये भी 100 है और ये भी 100 है, सारे 100 100 के ही हैं। 100 किलो न्यूटन, एक और लोड है 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है आपका 2.5, 3 मीटर, 2 मीटर और 2.5 मीटर और ये है आपका 2 मीटर। ठीक है जी, एक आपका कोई गर्डर है जो 20 मीटर का है। कितने मीटर का है आपका? 20 मीटर का है। और आपका एक सेक्शन दे रखा है उसने 7.5 मीटर पे। ये देखो, ये कितना दे दिया आपको? 7.5 मीटर दे दिया आपको। कह रहा है इस सेक्शन पे आपका मैक्सिमम शियर फोर्स कब होगा? कब होगा भाई? पहले मैं ट्राई करती हूँ क्या रखने की, 80 किलो न्यूटन यहाँ प्लेस करने की ट्राई करती हूँ। आपको पता है जो लोड आप प्लेस करते हो उसके ऊपर और जो पीछे वाले का आपका, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो पीछे वाला लोड आ रहा है उनके बीच का। अभी हमने क्या किया था? W टू W जो लोड उसके ऊपर है डिवाइडेड बाय उसके पीछे जो लोड है उसका डिस्टेंस, यदि ये बड़ा है किससे, सम ऑफ ऑल लोड्स ऑन गर्डर डिवाइडेड बाय टोटल स्पान। टोटल तो क्या स्टोर स्पान हो गया। मैंने क्या रखा पहले इसको करके देख लेते हैं आपा। 80 डिवाइडेड बाय 2.5 करें, 80 डिवाइडेड बाय 2.5, ये सम ऑफ ऑल लोड्स तो आएगा ही आएगा, अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 2.5 ये आता है मेरा 32। हर कंडीशन ये तो सबका सेम आएगा। सम ऑफ ऑल लोड्स कितना हो जाएगा? 80 प्लस 220 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3 4, ठीक है, 400 हो रहे। ये कितना हो गए? 4 और 3 700 नहीं हो गए क्या? ये 700 डिवाइडेड बाय स्पान, स्पान कितना है मेरा? 20 का। तो 7
100 डिवाइडेड बाई 20 किया, ये आ गया मेरा 35। तो ये तो बड़ा नहीं है, पहला लोड तो बड़ा नहीं है इसका, तो हम कह देंगे फर्स्ट ट्रायल तो हमारा खराब गया, यानी 32 इज नॉट ग्रेटर देन 35। तो पहला ट्रायल तो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा लोड रख के देखती हूँ, यानी अब मैं कौन सा लोड रख रही हूँ, 220 लोड रख रही हूँ। तो अब हमारे W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220, और जो B ले रहे थे हम इस फॉर्मूले के अंदर, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 मीटर 3। तो मैं करती हूँ W2 बाय B, यानी कि 220 बाय 3। तो देखिए आप 220 डिवाइडेड बाय 3 आपकी वैल्यू आती है 73.33। बोलो आती है कि नहीं आती। इसको किससे कंपैरिजन करना है, सम ऑफ ऑल लोड डिवाइडेड बाय स्पान। इसका क्या आया था हमारा, 35 आया था, तो 73.33 इज ग्रेटर देन 35। तो ओके, तो अब आपने कैसे प्लेस करना है इसको, जो आपका गर्डर दिया हुआ है आपने कंडीशन में रख के पता चल गया आपका भी, ये आपका कितने मीटर पे था, 7.5 मीटर पे था आपका। इस 7.5 मीटर के ऊपर यदि आप 220 किलो न्यूटन रखते हो तब आपका मैक्सिमम लोड आता है। 220 यहाँ रख दिया तो उसके आगे वो तो यहाँ रखा जाएगा 80, ठीक है, और 100 वगैरह कहाँ रखे जाएंगे, इसके पीछे रखे जाएंगे। समझ आ रहा होगा सारा आपको, ये 100 किलो न्यूटन, ये भी क्या आ गया, 100 किलो न्यूटन आ गया इसका। ये टोटल कितना था आपका, 20 था, ये 20 था, तो ये कितना रह गया, 20 माइनस 12.5 ही रह गया क्या, 20 माइनस 7.5 ये हमारा रह गया 12.5 रिमेनिंग। इनके बीच का सारा डिस्टेंस हम लोगों ने, मैंने दे रखा आपको 2.5, 3 मीटर, 2 मीटर, और ये कितना आ गया 2.5 और 2 मीटर, ये सब कुछ आपको गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही निकाल लेंगे इसका, इनकी जैसे शेयर फोर्स आप करते थे वैसे का वैसा, कैसे करते थे हम लोग, ऐसे ही तो करते थे, ठीक है। ये तो इसका आर ए के लिए बन गया, और ये किसके लिए बन जाता है, आर बी के लिए। ये ऑर्डिनेट इनकी प्रोजेक्शन उतारते जाओ, लेफ्ट राइट साइड के तो सारे पॉजिटिव जाते हैं, ये आपका क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है जी। आप इन सब की क्या कर लोगे, वैल्यू को क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो ये वैल्यू तो आती है आपकी 0.625, आपको आता है ना ये सारा करना, तो ये क्या आ गया आपका 0.475, ठीक है, ये कितना आ गया 0.375, और ये आ जाता है आपका 0.25, ये वैल्यू, और ये वैल्यू आ जाती है 0.15, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0.20, ठीक है जी। समझ आ गई ना आपको ये बात। तो आपका मैक्सिमम शीयर फोर्स कैसे आप काउंट करोगे, आप वैसे निकालोगे कैसे, 220 इंटू 0.62, पहले तो माइनस ऑफ 80 इंटू 20, माइनस ऑफ 80 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 0.625, यही तो होता है, प्लस 100 इंटू 0.475, 100 इंटू पॉइंट्स प्लस 100 इंटू 0.375 प्लस 100 इंटू 0.25 प्लस 100 इंटू 0.15, ठीक है। ये क्या आ गया, शियर फोराइड सेक्शन, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 242.5 किलो न्यूटन आती है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आप एक ट्रायल और करके भी देख सकते हो, 100 वाला भी रख के देख सकते हो। जब आप 100 का करके देखोगे तो इस सेक्शन पे कौन सा रख दोगे, आप 100 रख दोगे, ये दो इस साइड आ जाएंगे, आप चेक कर लेना चाहे, ठीक है। ये आपको समझ भी आ गया होगा, ये तो हमने किए थे पॉइंट लोड के लिए, किसके लिए किए थे हमने, जो रोलिंग लोड चल रहे हैं वो पॉइंट में है, ठीक है। अब बारी आती है कि यदि आपका कौन सा लोड हो, आपका यूडीएल हो, आपका यदि यूडीएल होता है
इन केस ऑफ यूडीएल, यूडीएल के अंदर क्या होता है, ये चीज यूडीएल की आ गई, जितना भी इसका दे रखा है अपने को लेंथ, जो इसकी लेंथ स्पेसिफाइड होगी, ठीक है। यदि तो ये लॉन्गर देन द स्पान, ये शॉर्टर देन द स्पान है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए तो क्या करते हैं अपा, इस सारे को किधर प्लेस कर देते हैं, सेक्शन के राइट साइड में। सेक्शन के कहां प्लेस करते हैं यूडीएल में, यूडीएल के केस में पॉजिटिव के लिए प्लेस्ड राइट साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है जी। और नेगेटिव के लिए क्या करते हैं अपा, यूडीएल को प्लेस करते हैं कहां, लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। देखो मैं आपको बता भी देती हूं, ऑफ सेक्शन कैसे, यदि आप यहां प्लेस करोगे इधर लेफ्ट साइड में तो सारा नेगेटिव नेगेटिव आएगा, इधर प्लेस करते हो तो सारा क्या आता है अपना पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, ठीक है जी। ये आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा, आप कर लेना इसको, कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।